रोए नहीं मेरा भाई, रोए नहीं। क्यों रो रहे हैं? चुप हो जा, चुप हो जा मेरा भाई, चुप हो जा। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम बाजी, क्या हाल है? ठीक हो तो वैसे ठीक है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन किराम, अल्हम्दुलिल्लाह आज हमें तीसरा मंथ है, हम इस फैमिली तक राशन पहुंचा रहे हैं, जो इनका हक़ है वो इन तक पहुंचा रहे हैं। मेरी माँ, अल्लाह पाक आपका देना कबूल फरमाए। आपने फ़कत अल्लाह की रज़ा के लिए तीसरा मंथ है, आप इन जैसी पाँच फैमिलीज़ हैं, जो मेरी माँ जो है इन जैसी पाँच फैमिलीज़ के बारे में सोचती हैं, जो वाकई गरीब और नीडी और मुस्तहिक हैं। तो ये हमारा भाई जो है डिसेबल है, क्योंकि हमने कुछ दिन पहले इनकी वीडियो भी यूट्यूब पर पब्लिश की थी, आप देख सकते हैं डिटेल के साथ। ये खुद डिसेबल है, चलने फिरने से कासिर है, ये मजदूरी नहीं कर सकता, और इसके छोटे छोटे मासूम से बच्चे हैं, एक छोटा ये है और दो इनके छोटे बच्चे जो हैं वो स्कूल गए हुए हैं। इनका कोई भी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, इनके पास इतनी गुंजाइश नहीं होती कि ये अपने घर का राशन ले सकें। दिया जा रहा है ये सितम्बर का राशन है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ जैसे भी हम पहुँचेंगे तो इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ भी हम इन तक राशन पहुँचाएँगे। मेरी दुआ है मेरी माँ, अल्लाह पाक आपका देना कबूल फरमाए, अल्लाह पाक आपके हक हलाल के रिस्क में बरकत डाले। क्या हाल चाल बाजी, ठीक हो तो वैसे ठीक है? अच्छा मेरी बहन, अल्हम्दुलिल्लाह पिछले महीने जरा राशन दे गया, ऐसे गुजारा ठीक है आई? अच्छा माशाल्लाह। मेरी बहन आपका ये जो है ना इस मंथ का राशन है, ठीक है मेरी बहन, आप ये खोले। ये साथ में और बच्चे आई है, ले लो। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी माँ, अल्लाह पाक आपका देना कबूल फरमाए, अल्लाह पाक आपका हक हलाल के रिज़्क़ में बरकत डाले। आपने फ़कत अल्लाह की रज़ा के लिए इतनी दूर बैठ कर फ़कत अल्लाह की रज़ा के लिए इन जैसी फैमिलीज़ के लिए सोचती हैं, तो अल्लाह पाक आपको सेहत और लंबी ज़िंदगी दे। अल्हम्दुलिल्लाह ये खाएँगे इस मंथ भी, आपको और आपकी सारी फैमिली को दुआएँ करेंगे। दुआ करें ठीक है, दुआ करें, हाँ दुआ करें, दुआ दुआ करो, तो दुआ उमा वास्ते दुआ करें, अल्लाह को सेहत देवे, ठीक है वो बीमार है। आप दुआ कर दें, हाथ उठाकर दुआ कर दें। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी माँ ये फैमिली इस मंथ भी राशन खाएगी, आपके लिए और आपकी सारी फैमिली के लिए दुआएं करेगी। अल्लाह पाक मेरी माँ आपका देना कबूल फरमाए, अल्लाह पाक आपके हक हलाल के रिस्क में बरकत डाले। आपने इतनी दूर बैठकर फकत अल्लाह की रज़ा के लिए इन जैसी फैमिलीज़ के लिए सोचा, अल्लाह पाक आपके हक हलाल के रिस्क में बरकत डाले। क्यों रो रहे हो मेरा भाई, क्यों रो रहे हो, क्यों रो रहे हो? नहीं रोए, रोए नहीं, रोए नहीं, अब रोए नहीं, नहीं रोए, रोए नहीं, रोए नहीं, अब रोए नहीं, रोए नहीं मेरा भाई, रोए नहीं। क्यों रो रहे हैं? चुप हो जा, चुप हो जा मेरा भाई, चुप हो जा, चुप हो जा, क्योंकि देखें ये फैमिली बहुत ही ज़्यादा परेशान है। नहीं रोए, क्योंकि ये खुददार इंसान था, कमा रहा था अपना हक हलाल कर, इसके अपने बच्चों के लिए अपनी फैमिली के लिए कमा रहा था और ख़ुद भी खा रहा था, तो अचानक चारपाई पर बैठ जाना, चलने फिरने से कासिर हो जाना, तो एक खुददार इंसान के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होती है। इसके लिए मेरी आप सब बहन भाइयों से गुजारिश है, आप जहाँ पर भी ऐसी गरीब और नीडी फैमिलीज़ देखें तो उनकी अपनी इस्तेदात के मुताबिक थोड़ी ना थोड़ी मदद कर दिया करें, क्योंकि ये इंसानियत के नाते हम सब का फ़र्ज़ है, उन जैसी फैमिलीज़ जहाँ पर भी हो उनकी थोड़ी ना थोड़ी अपनी इस्तेदात के मुताबिक ज़रूर मदद किया करें। हमारी वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। जज़ाकुमुल्लाह खैर, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।